यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं न्यू गैंगस्टर उल्दीस। तो यार, आप लोगों ने जैसे पिछले गेम प्ले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने यार पिछली गेम प्ले वीडियो में बहुत सारे पुलिस ट्रक्स की रॉबरी करी थी और हम लोगों को कई सारे गैंगस्टर्स भी मिले थे जिनको हम लोगों ने अपनी टीम में लेके एक ग्रुप बना लिया था जिसका नाम हम लोगों ने क्या कहते वी गैंग रखा था। तो यार, आप लोगों को जैसे पता होगा वी गैंग में मैं हूँ, ई मैन है और कई सारे और गैंगस्टर्स हैं जो इस सिटी के हैं। और भाई, ये सब गैंगस्टर बहुत बड़े वांटेड हैं, हम लोगों की तरह वांटेड नहीं, क्योंकि हम लोग जितनी भी रॉबरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा छुप के करते हैं। तो ये लोग हम लोगों से भी बड़े वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जिस वजह से हम लोगों ने इनको अपनी टीम में लिया और इनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। तो अगर हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग यार इनको सिंपली एक फ़ोन कर देते हैं, जिस वजह से यार ये लोग हमारी मदद करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हुआ था ईमैन से बात करने। ईमैन ने कहा कि तुम्हें गाड़ी लेके एक ऐसी अंडरग्राउंड लोकेशन पे जाना है जहाँ पर तुम्हें एक वैन मिलेगी। तो यार उसने कहा कि वो तुम्हें लोकेशन अलग से दिख जाएगी। तो यार जल्दी से एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए चलते हैं और वहाँ पर हम लोगों को जो ब्लैक कलर की वैन मिलने वाली है, अब उसमें क्या है वो भी ईमैन ने हम लोगों को खोलने से मना किया। पता नहीं वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने यार जैसे ध्यान दिया होगा कि वो 3-4 हफ्ते से पता नहीं किस चीज़ की तलाश में है, आज उस चीज़ का बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है। तो यार उसके लिए पूरी वीडियो को देखते हैं ना। और यार इस वीडियो पे हम लोग ज़्यादा नहीं, खाली 120 लाइक्स का टारगेट रखते हैं यार। तो यार 120 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना, जल्दी से जाके लाइक बटन को दबा दो। और जितने लोग क्या कहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया है या उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आती है किसी भी वीडियो की, तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब की बटन है उसको दबा लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो वो ज़रूर दबा लेना। तो हम लोग यहाँ पे आ तो गए पर मैं रास्ता थोड़ा सा भूल गया हूँ, पता नहीं। तो यहाँ की तब एक रेड कलर की बाइक थी या मेरी जो पहले बाइक थी जो चोरी हो गई थी वो सेम ऐसी ही थी, पर यार उसमें थोड़ी मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी, जैसे उसका एग्जॉस्टर मैंने डबल करवाए थे जैसे इसमें है। यार मेरे को तो लगता है ये शायद मेरी बाइक है, पता नहीं होगी ही नहीं होगी। तो यार जल्दी से पहले तो चलते हैं उस वाली लोकेशन पे। और ये बहुत देर मतलब मेरे सामने खड़े होकर नाचे और गलती से यार पुलिस भी पीछे आ गई। कोई नहीं, आप जल्दी से एकदम पुलिस पीछे से हट भी जाएगी। और तो यार पहले तो घुमा के मेरे को पूरा टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यार पता नहीं वो रास्ता अंडरग्राउंड की कहाँ से है मैं भूल गया हूँ। क्योंकि एक बार लास्ट टाइम जब हमारे पीछे पुलिस पड़ी थी तब हम लोग उस रास्ते पे गए थे। तो यार रास्ता तो यहीं से मेरे ख्याल से आगे से, तो मेरे को पूरा यू टर्न लेके जाना पड़ेगा तब घूम के आना पड़ेगा। या मतलब थोड़ा ईजिली चलते हैं, पता चला मैं सीधा इधर गिर जाऊँ उसके बाद बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ भगाते हुए सीधा अंडरग्राउंड लोकेशन पे, मतलब अंडरग्राउंड इसके ऊपर भाई सी का वाटर फ्लो होता है, आप लोगों को बता दूँ। तो ईमैन ने कहा था कि तुम्हें एक पाथवे से जाना है, तभी उसने कहा कि तुम्हें कोई बाइक ले लेनी चाहिए ताकि तुम ईजिली उस पाथवे में चल सको, वरना यार मैं किसी गाड़ी से जाऊँगा तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसने कहा कि जो ड्राइवर उस वैन को लेकर खड़ा होगा वो तुम जैसे ही उस पाथवे से निकलोगे वो तुम्हें सामने की तरफ तुम्हारे गाड़ी लेके आ जाएगा। पता नहीं वो किधर है, तो थोड़ा आगे की तरफ चल के देखते हैं, पता नहीं कहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं। अब पता नहीं यार, मेरे को कन्फर्मली याद नहीं, उसने कहा था कि तुम्हें नीचे थोड़ा अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा, किसी बंदे से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद वो तुम्हें क्या कहते बता देगा। मतलब भाई साहब, सामने मैं जा रहा हूँ तो भी घूम के जा रहा, देख नहीं रहा इतना बड़ा गुंडा आ गया इसके सामने तो भी। तो यार जल्दी से अंदर की तब चलते हैं। और ये सीक्रेट टनल भी उसी ने मेरे को बताई थी, अब पता नहीं आप लोग जैसे देख सकते हो एकदम सीक्रेट टनल जो यहाँ बाहर की तब खुली है। अब मेरे को इस बंदे से बात करनी है, अब थोड़ा रुक के मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो यार अब ये मेरे को बताने वाला है कि वो जो सीक्रेट ब्लैक कलर की वैन है वो कहाँ इसने खड़ी करी है। तो यार उससे वो सीक्रेट वैन लेके अब मैं निकल चुका हूँ अपने सीक्रेट बेस के लिए। तो यार जल्दी से पहले लोकेशन मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत जगह पे चला जाऊँ और वापस से घूमते घूमते पूरी सिटी को दिन से रात कर दूँ। क्योंकि हम लोग रात में निकले थे अंडरग्राउंड क्या कहते रोड्स के लिए, और भाई आप लोग जैसे देख सकते हैं सुबह होने वाली है और बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहते टाइम भी ले रहे हैं काम करने में। पता है
क्योंकि बेसिकली से यार ये सब जो वैंस हैं ये हैवी लोडेड वैंस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हैवी वेट होता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं। तो आप चलते हैं यार सीधा क्या कहते हैं सीक्रेट बेस पे, और आप लोग जैसे सुप्रीम बैंक देख सकते हो मेरे राइट साइड में, इसको यार जरूर याद रखना, इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। पहले इसको अंदर कर देते हैं और इसको यहीं बाहर ही छोड़ देंगे। ईमैन क्या कहते हैं अपने वर्कर से कह के इस वैन को अंदर करवा देगा, और इसमें पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जिससे ईमैन ने खोलने से मना किया है। तो मैं पता नहीं क्यों यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरा ऊपर जाने का बहुत मन है पर मैं नहीं चाहता कि मैं सीढ़ी से चढ़ूँ। तो यार जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग जैसे सामने की तरफ ये जो दो वाइट कंटेनर्स देख सकते हो, इसमें यहाँ बहुत सारी गन्स हैं, आप लोगों के स्टिकी बॉम्ब्स, ग्रेनेड, स्मोक्स, बहुत सारी मतलब वेपन्स इसमें रखे हुए, मिनी गन्स वगैरह। तो यार अब वो बहुत बड़ी प्लानिंग में लगा हुआ, क्योंकि वो जितने भी काम है वो सारी सीक्रेट करवा चुका है। उसने दो पुलिस की गाड़ी और कई सारी क्या कहते हम लोगों से वैंस, गन्स वगैरह चोरी करवाई थी। तो इसने इस समय ईमैन ने हम लोगों से कहा कि तुम्हें एक ब्लैक कलर की गाड़ी या कोई भी गाड़ी ले लो जो थोड़ी लग्जरी टाइप की हो, और तुम्हें जाना क्या कहते एक बंदे के मतलब एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर एक सूटकेस होगा। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि ये लिमोजिन को क्यों ना ले लूँ, यार कितनी टॉप की लगती है, मेरे को तो यार बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, क्योंकि यार लॉन्ग है तो यार मज़ा आता है इसको चलाने में। आप लोगों को यार कैसी लगती है लग्जरी और एकदम सुपर फास्ट कार, तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो मेरे राइट साइड में मेरा एक शोरूम है जिसमें बहुत कम मैं जाता हूँ, बेसिकली से मैं अपने जो नए वाले शोरूम है उसी में जाता हूँ। तो यहाँ से मतलब सर्कल से टर्न लेके और हम लोग चलते हैं सीधा उस वाले रेस्टोरेंट में। तो यार उसने कहा था कि तुम्हें सिंपली रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ से एक बॉक्स लेना और वापस आना। तो यार यहाँ पर हम लोग घूम घाम के क्या कहते वापस आ चुके हैं। पहले ईमेल से यार कॉल करके बात कर लेते वो रेस्टोरेंट लोकेशन कहाँ है, क्योंकि यार यहाँ पर इस सिटी में बहुत सारे लोकेशंस हैं रेस्टोरेंट के। तो यार ईमेल ने बोल दिया कि वो जहाँ पर हम लोगों का पहले वाला घर था उसी के पास में कहीं पर वो है। तो यार पहले तो मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। यार अगर लॉक्ड हुआ था वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार मेरे को लग रहा था ये लॉक है, मतलब ग्लास तोड़ देते हैं, गुस्सा आ रही है। तो यार ग्लास भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि अब फुल बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं। तो यार जल्दी से कहते थे बैठते हैं और गाड़ी अब फुल स्पीड में मैं भगाने वाला हूँ किसी भी देरी करके। तो यहाँ पर मैं रुका हुआ था थोड़ा ईमेल से बात करने के लिए, ताकि हम लोग उससे पूछ सकें कि हम लोगों को अब क्या करना है इस गाड़ी को लेके, क्योंकि वो बॉक्स मैंने उसको लाके तो अभी नहीं दिया है, वो मेरी गाड़ी में ही पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर जल्दी से चलते हैं ला के उसको वाला बॉक्स भी देते हैं, और एक और उसने काम कहा है वो भी करना है। पता नहीं यार ये क्यों ये सब करवा रहा, मैंने इससे कहा कि हमारे इतने सारे सारे शोरूम हो चुके हैं भाई, तू दो ले ले, तीन ले ले, मेरे से ले ले, मेरे को पैसे मत दे। तो यार मतलब उसको ये सब काम नहीं करना, उसको मतलब एकदम तेज़ी से पैसा कमाना है। जैसे शोरूम में कोई भी गाड़ी बिकती है 50 या 20 मिलियन डॉलर्स की, और क्या कहते वो रॉबरी करता है 1000 या 100 मिलियन डॉलर्स की। तो यार वो चाहता कि वो बहुत सारा पैसा एक बार में और एक साथ कमाए, और हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कमाए ताकि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना लगें। पता नहीं अब वो ये सब हम लोगों से क्यों करवाता, वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो यार जल्दी चलते हैं, जो बॉक्स हम लोगों ने करके लिया है उसको भी लेते हैं। तो यार इस समय ये सिटी इतनी हाई अलर्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस वालों की 3-4 गाड़ियाँ भी चुराई हैं, कई सारी रॉबरीज की हैं, जिस वजह से यार पुलिस वाले हमारे पीछे ऐसे लग चुके हैं ना कि पूछो मत। तो यार जल्दी से इस गाड़ी को भी अंदर पार्क करते, क्योंकि मेरे को ये लिमोजिन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जल्दी से यार इस गाड़ी को भी पार्क करते हैं अंदर की तरफ और चलते हैं सीधा अपने क्या कहते अंदर, मतलब पहले तो ईमेल से बात करेंगे उसके बाद चलेंगे अपने सीधा आइसलैंड में। तो यहाँ पर ईमेल से बात कर लेंगे और उससे कह देंगे गाड़ी के पीछे सारी चीज़ें रखी हुई है तुम ले लो उसको, और मैं जाता हूँ अपने आइसलैंड में, क्योंकि हम लोग को बहुत दिन हो गए हम लोग अपने घर भी नहीं गए। तो यार आप लोगों को अगली नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में पता चलेगा कि ईमेन ये सब क्यों करवा रहा है और उसका सुप्रीम बैंक में क्या काम है कि वो बार बार सुप्रीम बैंक में ही जाता है।
तो यार मेरे ख्याल से वो तो कोई बहुत बड़ी क्या कहते सुप्रीम बैंक में रॉबरी करने वाला है, इसीलिए यार उसने ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स सुप्रीम बैंक के टेरेस पे लगा रखे हैं। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में पता चलेगा। तो यार आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो पर लाइक कर देना। तो यार इस वीडियो पे हम लोग खाली 120 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो यार जल्दी से जाकर लाइक बटन को दबा दो और गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, वॉच करते रहें वेपन गेमर्स।